हेलो गाइस, जला को नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एएसएन अभिनय श्रीमान नारायण के 4 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म को रिलीज़ हुए 4 दिन हो चुका है, 4 डेज कंप्लीट कर लिया, आज 5वां दिन है फिल्म का। पहले दिन फिल्म ने 12.10 करोड़ का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे, दूसरे दिन 10.10 करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे, थर्ड डे 13.10 करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे, और फोर्थ डे जो है वो मंडे आ गया था। और आपको भी पता है कि मंडे को जो है किसी भी फिल्म का कलेक्शन है वो हल्का सा डाउन जाता ही है, कुछ परसेंट डाउन जाता है। उसके साथ भी फिल्म अभिनय श्रीमान नारायण के साथ भी फिल्म चौथे दिन वही कुछ हुआ, तो बात करेंगे फिल्म ने चौथे दिन कितने का कलेक्शन किया, टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन कितना रहा फिल्म का, और आने वाले दिनों में फिल्म के ग्रो होने का कितना चांस है। तो जैसा आपको पता है कि कल जो है फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, और उसके बाद 3 जनवरी को तमिल और मलयालम में, और 17 जनवरी को फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है। अभी तक हिंदी के कुछ भी प्रमोशन का मुझे दिखा नहीं है कहीं भी, ना ही मुझे कोई सॉन्ग्स दिखा है। एटलीस्ट अभी सॉन्ग्स जो है वो आ जाना चाहिए था, एटलीस्ट हैंडसअप सॉन्ग जो है वो आ जाना चाहिए था, और नारायणा नारायणा सॉन्ग जो है वो आ जाना चाहिए था। वो भी सॉन्ग बहुत ही अच्छा है और कमाल का रिस्पॉन्स मिला है उसको। तो बात करते हैं फिल्म ने फोर्थ डे पे कितना कलेक्शन किया। तो फिल्म ने फोर्थ डे पे अप्रॉक्स 8 करोड़ का कलेक्शन किया, और टोटल नंबर हम अगर काउंट कर लें तो 44 to 45 करोड़ का बजट रिकवर हुआ है 4 डेज़ के कलेक्शन में। फिल्म का बजट जो है वो हाई है, 80 करोड़ के आसपास फिल्म का बजट है। 3 साल का टाइम लगा है फिल्म को बनने में, और अगर फिल्म के बारे में बात की जाए तो ऑडियंस का जहाँ तक रिएक्शन रहा है, फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है ऑडियंस भी, सारे क्रिटिक्स लोग भी, और फिल्म में दम है कि फिल्म 100 करोड़ का जो कलेक्शन है वो पार कर जाए। वैसे तो कल से रिपोर्ट पता चलेगा कि बाकी लैंग्वेज में फ़िल्म को किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि फिल्म के एडिटिंग में कटौती की गई है, कट किया गया है फिल्म को एडिटिंग में, लगभग 10 से 15 मिनट फिल्म को कट किया गया है। तो जिन लोगों ने फिल्म देखी है 2 बार, अगर एडिटिंग वाला पार्ट कट किया हुआ पार्ट आपने देखा हो या पहले जो ओरिजिनल देखा था वो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग अगर देखा हो, जिन लोगों ने दोनों, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। और आपको क्या लगता है कि फिल्म कितना करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर पाएगी। अगर मैं बात करूं मुझे तो 100 तो आराम से फिल्म क्रॉस कर जाएगी, उसमें कोई नहीं, क्योंकि अभी फिल्म का जो कलेक्शन है वो कर्नाटका में ही हाई चल रहा है, बिल्कुल डाउन नहीं हुआ है। अगर 10 से नॉर्मल डेज में 10 है, 8 पे आ गया है, तो इसको कोई डाउन नहीं बोलेंगे। और क्योंकि कल फिर छुट्टी है, न्यू ईयर का कल हॉलीडे है पूरे इंडिया में, तो कल फिल्म का कलेक्शन बढ़ेगा। आज भी बहुत सारे जगहों पे ऑफिस में छुट्टी हुई होती है लगभग ऑलमोस्ट, तो आज नाइट के शोज़ जो है वो हाउसफुल जाने वाले हैं, कल का छुट्टी है, तो अभी बढ़ने का उम्मीद बहुत अच्छा है फिल्म के लिए। देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है, उसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। और ये साल का आज लास्ट डे है, कल से नया साल, नई उम्मीदें। तो जाते जाते वीडियो ख़त्म करें उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से रहो, एंजॉय करो, खुश रहो, सबसे बड़ी बात यह है कि खुश रहो, कुछ भी करो खुश रहो, तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।